तीनों क्लासेस का ये कॉमन लेक्चर है, तीनों टेक्नोलॉजीज MT2, CT2, ET2। टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ कोशेंट और डेट है 17/7/2020। ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें क्वेश्चन है फाइंड d/dx ऑफ e^-2x साइन ऑफ 2x। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीनों फंक्शन का कम्प्लेक्स ये प्रॉब्लम है। अब इसको हम लेट कर देते हैं, लेट y=e^-2x साइन 2x। यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा d/dx u/v। u को छोड़ दें, v का डेरिवेटिव ले लें, प्लस वी को छोड़ दें, यू का डेरिवेटिव लें। यहाँ पर y=d/dx d/dx e^-2x साइन ऑफ 2x। अब e^-2x को छोड़ दें, d/dx साइन ऑफ 2x, फिर प्लस साइन ऑफ 2x d/dx e^-2x। अब e^-2x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, फिर d/dx 2x का डेरिवेटिव प्लस साइन ऑफ 2x। अब e^2x का डेरिवेटिव e^-2x, आगे फिर d/dx-2x। अब e^-2x, टू कांस्टेंट है, इसको पहले ले आए 2 cos 2x और x का डेरिवेटिव 1 होता, उसके बाद प्लस साइन ऑफ 2x e^-2x, माइनस को बाहर ले आए यहाँ पर और 2 को भी पहले ले आए, d/dx x। अब e^-2x 2 cos 2x प्लस माइनस माइनस 2 e^-2x, इसको बाहर ले आए और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये साथ में साइन 2x। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ किसके बराबर है, 2 e^-2x cos 2x माइनस 2 e^-2x साइन ऑफ 2x, ये dy/dx। अब यहाँ पर कॉमन जो वैल्यूज हैं वो ये और ये हैं, इनको कॉमन ले लें। यहाँ पर dy/dx इक्वल्स टू 2e^-2x ब्रैकेट में cos 2x माइनस sin 2x। अब यहाँ पर dy/dx, यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग सकती है। अब क्या होगा, 2e^-2x साइन और कॉस हो तो कॉस पहले है, cos 2x प्लस 2x, ये हो जाएगा 2e^-2x cos 4x, ये आपका आंसर है। वैसे आंसर ये भी ठीक है, अगर ज़्यादा है तो ये है।